यूक्रेन के अजोवस्ताल स्टील प्लांट में कब्जे की जंग जारी है। स्टील प्लांट पर रूसी सैनिकों ने जमकर गोलीबारी की है, जिससे अजोवस्ताल स्टील प्लांट की पहली और दूसरी मंजिल में भीषण आग लगी हुई है। साथ ही अजोवस्ताल इलाका बम धमाकों की आवाज से गूंज रहा है। अजोवस्ताल स्टील प्लांट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से भीषण तबाही इस वक्त वहां पर लगातार हो रही है, क्योंकि रूस के हमले अब भी जारी हैं और प्लांट की पहली दूसरी और मंजिल में आग लगी हुई है और इसके भीतर भी कई लोग अभी फंसे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू भी किया जा रहा है। किम ने अपने भाषण में उनके देश को धमकी देने वाले किसी भी दुश्मन का सफाया कर देने की बात कही थी। ऐसे में देखा जाए तो दोनों देशों के प्रमुखों के बीच जबानी जंग छिड़ गई है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यून और किम के बीच का ये टकराव और बढ़ सकता है। वहीं दुनिया की सबसे बड़ी निजी सैटेलाइट कंपनी स्पेसएक्स चलाने वाले इलॉन मस्क अब दुनिया में एक नई जंग की वजह बन सकते हैं। इस बात का साफ संकेत मिलने लगा है कि बहुत तेजी से दुनिया अब स्पेस वॉर की तरफ बढ़ रही है। यहां तक कि खुद इलॉन मस्क को भी उनकी जान पर खतरा महसूस हो रहा है। रूस की तरफ से उन्हें खुली धमकी तक दे दी गई और साफ कहा गया कि इलॉन मस्क अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये चेतावनी इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि रूस की फौज के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली जानकारी सामने आई है। पूर्वी यूक्रेन में अपने हजारों फौजियों को खोने वाली रूस की सेना को कुछ ऐसा पता चला कि उसके होश उड़ गए। पता चला कि यूक्रेन को मदद न समुद्र से मिल रही थी न ही जमीन से। जिस आसमान में रूस के सबसे खतरनाक फाइटर जेट चक्कर लगा रहे थे, वही आसमान यूक्रेन की मदद कर रहा था। हजारों किलोमीटर ऊंचाई से इलॉन मस्क के सैटेलाइट यूक्रेन के मसीहा बने हुए थे, जिन्हें न तो रूस की फौज देख सकती थी और न ही उनसे आ रहे सिग्नल जैम किए जा सकते थे। जबकि पूर्वी यूक्रेन के जिन शहरों को रूस की फौज ने घेरा, उनका इंटरनेट पूरी तरह से ठप कर दिया गया था। मतलब ये कि यूक्रेन के शहरों को जब रूस अपनी मुट्ठी में बंद कर रहा था, तब मस्क यूक्रेन के सबसे बड़े मददगार बन रहे थे। ये खबर रूस को एक ऐसे शख्स ने दी जो पुतिन के सबसे करीबी लोगों में एक है, रूस की स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर जनरल दिमित्री रोगोजिन। दावा है कि यूक्रेन की फौज के कमांडर को मारियापोल ऑपरेशन के वक्त गिरफ्तार किया गया था। जब उसकी पूछताछ हुई तो स्टारलिंग सैटेलाइट का भेद खुल गया। स्टारलिंग इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए वो पूरी दुनिया को सस्ता और तेज इंटरनेट देने का सपना कई साल से दिखा रहे हैं और इसके लिए सैकड़ों छोटे सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे भी जा चुके हैं। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही यूक्रेन के काम आने लग गया और स्टारलिंक की ही मदद से यूक्रेन की फौज को रूस की सेना के हर कदम की जानकारी भी मिल रही थी, जिसकी वजह से रूस को बड़ा नुकसान होने की खबर है। दिमित्री रोगोजिन के बयान के बाद रूस की खीज सामने आ गई। मारियोपोल यूक्रेन का एक ऐसा शहर है जो आसमानी हमलों की वजह से खंडहर में बदल चुका है। रूस जिस शहर पर कुछ घंटों में कब्जा कर सकता था, उसे मुट्ठी में बंद करने में कई हफ्ते लग गए। रूस के हजारों सैनिकों की जान मारियोपोल में चली गई। इसीलिए स्टारलिंक से यूक्रेन को मिलने वाली मदद की खबर के बाद रूस की झुंझलाहट सामने आ गई। रोगोजिन ने धमकी दी कि वो सीधा सीधा इलॉन मस्क को जिम्मेदार मानेंगे। यूक्रेन की जंग में इलॉन मस्क का नाम पहली बार खुलकर सामने आया। रूस की सेना ने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से बम बरसाकर यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। हमला किस इलाके में हुआ इसका पता नहीं चल सका, लेकिन इसका एक वीडियो रूस की तरफ से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर आसमान से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ताबड़तोड़ रॉकेट दागता दिखा। इस हमले से पहले रूसी सेना के इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को तैयार किया गया। जो वीडियो जारी किया गया उसमें पुतिन की सेना का एक जवान हेलीकॉप्टर में मिसाइल और रॉकेट फिट करता नजर आया। हथियारों से लैस होने के बाद वो हेलीकॉप्टर कुछ ही पलों में आसमान में पहुंच गया। इसके बाद जमीन पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों को टारगेट कर एक के बाद एक कई रॉकेट दाग दिए गए। अपने काम को अंजाम देने के बाद रूसी सेना का वो हेलीकॉप्टर बेस पर सुरक्षित लौट आया। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई ठिकाने तबाह हो गए। वहीं मारियोपोल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने हमले तेज कर दिए। शहर के इस छोटे से हिस्से पर जीत हासिल करने के लिए रूस की सेना पिछले कई दिन से यूक्रेन के सैनिकों के साथ जंग लड़ रही है, क्योंकि अजोवस्ताल स्टील प्लांट मारियोपोल का वो आखिरी किला है जिसे फतह करने के बाद पूरा शहर रूस के कंट्रोल में आ जाएगा। यही वजह है कि इस स्टील प्लांट पर कब्जे के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। यूक्रेन की तरफ से अजोवस्ताल स्टील प्लांट पर हुए ताजा हमलों का एक वीडियो भी जारी किया गया। ड्रोन से लिए गए इस वीडियो में स्टील प्लांट के एक बड़े हिस्से में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। धमाकों की वजह से निकले काले धुएं ने एक बड़े इलाके को ढक लिया। इसी तरह स्टील प्लांट के आसपास कई और ब्लास्ट हुए, जिससे पूरा इलाका दहल गया। रूस का दावा है कि स्टील प्लांट में अब भी यूक्रेन के सैनिक छिपे हैं,
जिन्हें बाहर निकालने के लिए रूसी सेना पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ हमले कर रही है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि अजोवस्ताल स्टील प्लांट को बचाने के लिए जेलेंस्की के सैनिक रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कुछ महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बताया गया कि उन महिलाओं का गुस्सा तालिबान के घर से बाहर बुर्का पहनने वाले फरमान पर फूटा, वो भी इतना जबरदस्त कि वो काबुल। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को 2.5 महीने हो गए। इस दौरान रूसी सेना ने कई शहरों पर कब्जे के लिए ताबड़तोड़ हमले बोले, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से उन्हें तगड़ा जवाब भी मिला। अब यूक्रेन की सेना की मॉर्टर यूनिट ने रूसी सेना के ठिकानों पर जोरदार हमले किए, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया। हालांकि यह हमला किस इलाके में किया गया इसकी जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उनकी मॉर्टर यूनिट रूसी सेना पर जोरदार हमले करती नजर आई। एक बार हमला शुरू होने के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ठिकाने पर मॉर्टर की बारिश कर दी। हमले से पहले यूक्रेन की मॉर्टर यूनिट के सैनिक उस इलाके में पहुंचे जहां से उन्हें रूस के सैनिकों ने निशाना बनाना था। इसके बाद एक सैनिक ने दूरबीन की मदद से टारगेट की लोकेशन का पता लगाया। जैसे ही हमले की जगह का पता चला, यूक्रेन की सेना ने लॉन्चर को वहां सेट किया और फिर दुश्मन के ठिकानों पर मॉर्टर से भीषण हमले शुरू कर दिए। हालांकि रूस की सेना को इस हमले में कितना नुकसान हुआ इसके बारे में यूक्रेन ने कोई जानकारी नहीं दी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 77 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन युद्ध के खत्म होने के आसार अभी नहीं दिख रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने बड़ा दावा भी किया है। अमेरिका के मुताबिक अब तक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के लंबे युद्ध की तैयारी में है और डोनबास से ट्रांसनिस्ट्रिया तक युद्ध का विस्तार करना चाह रहे हैं। रूस की सेना ने सर्च अभियान चलाकर यूक्रेन की बिछाई कई बारूदी सुरंगों को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी टुकड़ी को रोकने के लिए जमीन के नीचे विस्फोटकों का जाल बिछाया था, जिसे रूस की सेना ने खोदकर बाहर निकाला, फिर खतरनाक गोलों और विस्फोटकों को एक गड्ढे में भरकर उन्हें एक ही झटके में उड़ा दिया। रूस के इस सर्च ऑपरेशन में उसकी मदद सेना के खोजी कुत्तों ने की, जिन्होंने सूंघकर बारूदी सुरंगों की मौजूदगी का पता लगाया। खोजी कुत्तों ने जहां बारूद होने का इशारा किया, वहां रूस के फौजियों ने एक लाल झंडा लगा दिया। इसके बाद उनके साथी मशीन की मदद से वहां तलाशी करने पहुंचे। जमीन के नीचे बारूद होने की बात पुख्ता होते ही वहां से बड़ी सावधानी के साथ मिट्टी हटाई गई। फिर वहां दबे गोलों को बाहर निकालकर एक जगह इकट्ठा कर लिया गया, जिन्हें बाद में रूस की सेना ने धमाका कर नष्ट कर दिया। और महायुद्ध में रूस के हमलों में यूक्रेन के कई इलाके तबाह भी हो गए हैं। वहां पर इरपिन के पास एक ऐसे ही इलाके में न्यूज 18 की टीम पहुंची। इरपिन के पास एक पेट्रोल पंप रूसी हमले में पूरी तरह से तबाह हो गया है। इरपिन के पास ताजा हालात का न्यूज 18 रिपोर्टर जसप्रीत कौर ने जायजा लिया।